दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल विथ DM में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि YouTube ने बहुत सख्ती से नियम लागू किए हैं, बहुत सारे, जो कि उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है हर यूट्यूबर के लिए। उसमें से एक मैं बताने वाला हूँ किड्स वीडियो। दोस्तों, मेड फॉर किड्स, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका वीडियो बच्चों के लिए है या नहीं, ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बताना होता है कि आपका वीडियो बच्चों के लिए है या फिर नहीं। तो इसके लिए दोस्तों, यदि आपका चैनल एजुकेशन का है, टेक का है, किड्स का है, तो उसके लिए आपके चैनल के हिसाब से मैं बताना देना चाहता हूँ। यदि आपके चैनल जो है पूरा बच्चों के लिए ही है, तो आपको एक सेटिंग कर लेना है। उसके बाद में आपके हर वीडियो पर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि आपका वीडियो जो है वो बच्चों के लिए है या नहीं, आपको एक सेटिंग करनी होगी। उसके बाद में आपको कभी भी बताना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो टेक्निकल चैनल वगैरह है जो बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए भी ये ऑप्शन लागू होता है। आप एक बार सेट कर लीजिए कि ये चैनल बच्चों के लिए नहीं है, ये इस चैनल पे जो डलते हैं वीडियो वो बच्चों के लिए नहीं है, तो आपको उस ऑप्शन को चालू करने के बाद में हर वीडियो में आपको वो सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, एक बार की सेटिंग है और आप हर वीडियो में ये सेटिंग करने से बचने के लिए ये वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ पर पूरी डिटेल देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करना, ये मैंने बताया है इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा। साथ ही आपको यूट्यूब चैनल सर्च में नहीं आ रहा, तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, तो इस वीडियो को भी देखिए। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। MS Office का कोर्स भी हमारे चैनल पर, उन्हें भी आप देख सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना होता है इस लोगो पे क्लिक करके यूट्यूब स्टूडियो में। दोस्तों, आप मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, दोनों में ये सेम ऑप्शन आएंगे। मोबाइल में हो तो आप क्रोम ब्राउजर ओपन करो और वेब व्यू में चले जाओ, तो आपको इस तरह से आपका यूट्यूब चैनल ओपन होगा। तो यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में चले जाना है। यूट्यूब स्टूडियो में जाते हो तो दोस्तों, इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है। इसके बाद में आपको सेटिंग में जाना होता है। आपके यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद में आपको सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पे चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद में एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। दोस्तों, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई देता है, डू यू वांट टू सेट यूर चैनल एस मेड फॉर किड्स। यहाँ पर आपको बताना होता है, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, येस, नो, वर आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। मतलब आप मिक्स बनाते हो कि कुछ वीडियो बच्चों के लिए बनाते भी हो और नहीं भी, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आप हर वीडियो में आपको चॉइस मिलेगी कि ये बच्चों का है या फिर नहीं, ठीक है। और यदि आपका वीडियो बच्चों के लिए ही है, तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना कि हाँ, ये हमारा जो चैनल है, हमारे जो सभी वीडियो बच्चों के लिए होते हैं, तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना। उसके बाद में यदि आपका वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, तो नो पे क्लिक कर दो, शेयर दिस चैनल अस नोट मेड फॉर किड्स। दोस्तों, ये तीन ऑप्शन है, बच्चों के लिए है तो येस करना है, बच्चों के लिए नहीं तो नो, और यदि आपका मिक्स चैनल है जिसमें दोनों तरह के वीडियो आते हैं, तो इसमें तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है वो टेक चैनल है, यहाँ पे बच्चों के वीडियो नहीं आते, इसलिए मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सेव कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सेव करने के बाद में मेरे पास हर वीडियो में ऑटोमेटिक जो चैनल है वो बच्चों का नहीं है और वीडियो इसी तरह से सेट हो जाता है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सेटिंग है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की, हर वीडियो में आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर करके जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।